कोरोना वैक्सीनेशन के बीच भी सामने आ रहे कोरोना के मामले। पठानकोट में बधानी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराया गया कोरोना टेस्ट, 6 बच्चे पाए गए पॉजिटिव, 3 दिनों के लिए स्कूल बंद। बिहार के सीतामढ़ी में इंसानी शर्मसार, पहले नाबालिग को किडनैप करने के बाद बदमाशों ने किया गैंगरेप, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गैंगरेप का वीडियो, पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। मोतिहारी के चकिया प्रखंड में हंगामेदार रही पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक, समिति सदस्य सरफराज अहमद ने लगाया प्रश्न, शिक्षा प्रचार अधिकारी पर गंभीर आरोप, कहा इनके कार्यकाल में चौपट हो गई शिक्षा व्यवस्था। मोतिहारी के पकड़दयाल प्रखंड के सिरहा पंचायत में बलिराम साहनी के आवास पर बैठक, बीजेपी प्रदेश संयोजक ललन चौधरी, बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग के प्रेम शंकर रहे मौजूद, जुब्बा साहनी की शहादत दिवस धूमधाम से मनाने की अपील। कोटद्वार के किशनपुरी में पैदल चल रहे दो युवक को स्कूटी ने मारी टक्कर, एक की मौत, स्कूटी चालक समेत दो घायल, राजकीय बेस अस्पताल में चल रहा इलाज। सहरसा में जिला प्रशासन ने कड़ुमार पंचायत में लगाया स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांगों में बांटी गई ट्राई साइकिल, जिला पदाधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड के सेमरा टोला स्टेडियम में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन, विभिन्न पदों के लिए 15 कंपनियों ने लगाया स्टॉल, युवाओं को रोजगार के साथ मार्गदर्शन देने पर भी रहा जोर। राजस्थान के रियाबड़ी उपखंड के थावला थाने का उपखंड अधिकारी ने किया विभागीय निरीक्षण, थाना अधिकारी हीरा लाल ने बताया कि वर्ष में एक बार उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारियों द्वारा विभागीय निरीक्षण होता है। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ककराहा गांव के निवासी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CAF की 22वीं बटालियन में पदस्थ लक्ष्मीकांत द्विवेदी आज नक्सलियों के द्वारा लगाए गए IED बम की चपेट में आने से शहीद हो गए।